We are getting late. जाओ हमी। सारे भारतवासियों और नेपालवासियों को मेरी तरफ से नमस्ते। मेरा नाम है आर्यन और आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है मैजिकल रिएक्शन। अगर आप मैजिकल रिएक्शन पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और जैसे कि थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं कौन सी वीडियो का रिएक्शन करने वाला हूं। जी हां, पॉलसा का एक और सॉन्ग आ चुका है जिसका नाम है सचुरा मति में बिना बासना, मतलब कि हिंदी में इसका मतलब है क्या मैं तुम्हारे बगैर जी सकता हूं, वो पूछ रहा है। तो पॉलसा जी धमाके में धमाका करता जा रहे हैं। पहले उनका सॉन्ग आया तिमले हेरने बानी परे और आंसू न बनी खस कई लेनी और ये अब सचुरमति भी बिना बासना। लेकिन इन तीनों सॉन्ग में एक चीज कॉमन है, वैसे ये गाने की स्टोरी बिल्कुल अलग अलग होंगी लेकिन इसके एक चीज बहुत कॉमन है। पूछो क्या, अच्छा बताए तो इसमें कॉमन ये है कि बहुत लंबे लंबे टाइटल है गाने के। जी हाँ, जैसे कि तिमला हेरने बानी पर हो, आंसू न बनी खस नु कई लेनी, सचुरा बासना मती में बिना, देख लो कितने लंबे लंबे सॉन्ग के नाम है। मतलब मुझे तो लग रहा है टाइटल में पूरा गाना सुन लेते हैं हम लोग। और ढेर सारे कमेंट्स आए थे मुझे इंस्टाग्राम पे कि आप इस गाने का रिएक्शन करना, 4:15 बजे रिलीज होने वाला, तो मैं बिल्कुल तैयार बैठा हुआ था कि मुझे रिएक्शन करना है गाना आते ही। पॉलसा का गाना है तो रिएक्शन तो बनता है। और आप लोग भी मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं कि मुझे कौन सी वीडियो का रिएक्शन करना है। मेरे इंस्टा आईडी का नाम है IMRNSA09। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सचुरा मती में बिना बासना ऑफिशियल सॉन्ग। 1 2 3 एंड स्टार्ट। ये लो प्रदीप खड़का भी आ गए। रीजन फॉर योर सक्सेस, काफी ऐड कर रहे हैं प्रदीप जी, कार को पता नहीं किस किस ब्रांड का। सचुरमति में बिना बासना, ये लुक का यार छोटे बाल में भी स्मार्ट दिखते हैं। पहले डायल करो भाई को नंबर, पहले भी इस पे व्यस्त है। अच्छा अपने गर्लफ्रेंड को कर रहे होंगे, वो व्यस्त व्यस्त हो रहा है और बंदा टेंशन में आ ही जाता है। हाय हाय हाय, लड़की वही है, तीनों गाने में लड़की वही है। क्या बात है, ये सिंगर है। क्या बात है, ये टाइटल है, ये गाना मुझे याद नहीं हो रहा। मुटू मतलब दिल, सांस फेरने मतलब सांस लेना, अंदर लेना बाहर फेंकना। यस, पोखरा, ओ वाओ लोकेशन देखो, ये पोखरा हाईवे शायद। ऐसा ही होता है, बंदा सोचता है किसको सुनाओ अपनी बातें अपना दुख। वैसे लोकेशन देखे शिमला की याद आ रही है, शिमला यहाँ इंडिया में शिमला है ना, सेम वैसा लोकेशन है। अच्छी है लड़की,
रोमांस किंग है भाई पॉल सा। मतलब रात के अंधेरे में लाइटें चमक रही है पहाड़ों के बीच में, बहुत खूबसूरत दिखता है। शिमला में भी ऐसे ही है। तो कहाँ थी शहर रात पर तो फोन ट्राई करेगा फोन रिसीव कर देने से। अनि तो बोकरा पुइसा नि त सनी सा त त प्रामे साइड तिर कता छ रे हैन उसको मैले नया नम्बर पत्ता लाछु म तँलाई टेक्स्ट गर्दिन्छु ट्राई गर्नु तैले है। केही नबोला तिमी ये उसको ढूंढ रहे है क्या कौन सा हीरोइन को हिरना स्मार्ट लग रहे भाई। तिमी बुझ्न सक्दिनौ मनको यो दुखै यो हाल मनको पहिले जस्तो छैन अब तो सब वो नहीं है देखाउन मिल्दैन गाना अच्छा यार पहले ऐसा हाल नहीं है जैसा पहले था गाना सुन के मुझे ऐसा लग रहा है मैंने टाइटल गलत बता दिया शुरू में आपको, अभी मैं क्लियर करता हूँ फिर बताता हूँ। गाना सुन के लग रहा है कि मैंने कुछ और बोल दिया आप लोगों को। किन्हीं माये को थे कि मैले कोहली से मेरे फीलिंग को रिस्पेक्ट करे हो क्यों हमला प्रैक्टिकल मन पड़ता था सब मले के मन पड़ती हो ट्रैवल करना मन पड़ती मले लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता भाई कितना भी कर लो कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तिमीसँग कोही केटी पनि खुसी रहन सक्दैन ऐसा मत बोल। अहिले चाहिँ किन आको अब चाहिँ टाइम छ हो तिमीसँग बोल पोल्साको रही है लेकिन बुरा मुझे लग रहा है हाम्रो फ्युचरले हामी बेटर गर्न सक्छौ नि हैन। हां बिल्कुल कर सकते हैं बिगड़ी हुई चीजें खराब जो हो चुकी है उसे सही भी किया जा सकता है। नखरे बहुत होते लड़कियों के यार मैं तो झेल नहीं सकता। म तिमलाई नै खोजिरा थे हैं ओके This is for you. अबे नया बुंदरू कौन है? वहाँ से मेरे फियांसी, वहाँ से मेरे टीचर। हाय, हेलो। ए, आ। बहुत बढ़िया। उसने कुरा कर रहे थे तपाईको बारे में। We are getting late. जाऊँ हामी। देख रहे हो? जाओ, पॉल सा का कोई और मिल जाएगी। वैसे बहुत हैंडसम है वो, और अच्छा भी है। दिल टूट गया सच्चू मरा तिमी बिना बासना खत्म। इसी के साथ ये वीडियो हुई समाप्त। सॉन्ग थोड़ा सैड था और सॉन्ग का स्टोरी ठीक था अच्छा था लेकिन ये सीन जो है मैं बहुत फिल्मों में देख चुका हूँ। जैसे कि आप अक्षय कुमार की अंदाज मूवी लगा लो कि जब तक वो आता है अपनी बात बोलने के लिए तब तक वो उसके लाइफ में कोई और आ जाता है। तो अच्छा था सॉन्ग लेकिन लड़की बोलती कि तुमने कभी मेरी फीलिंग्स को समझा कि मुझे क्या अच्छा लगता है मुझे ट्रैवल करना अच्छा लगता है लेकिन वो दिखेगा तभी तो करेगा ना अगला उसको बोला क्यों नहीं। अब बंदा के तुम्हारे दिमाग में घुस जाए छोटी मोटी चीज़ें समझ में आती है कि हाँ तुम्हें क्या चाहिए तुम्हें क्या फील हो रहा है उतना समझ सकता है लेकिन अब हर चीज़ थोड़ी समझ सकता है। लेकिन पॉल सा की इसमें कोई गलती नहीं थी भाई मैं पहले क्लियर कर देता हूँ लड़कियों को बुरा लगेगा लेकिन पॉल सा की गलती नहीं थी क्योंकि लड़की बताना भी तो होता है यार अगर तुम्हें जो चीज़ चाहिए तुम बोलो ना जिससे प्यार करते हो। वो बेचारा इतना ढूंढा तुम्हें कहाँ कहाँ तुम्हारे लिए तरसता रहा लास्ट में अंगूठी लेके घूमता रहेगा लड़कियों के साथ यही होता है हमेशा बट ये गलत है सुधर जाओ। नहीं ये मजाक की बात थी लेकिन
सॉन्ग है, स्टोरी एक्चुअली बनाना था, तो ठीक है दोनों अपने जगह पे सही है, सिर्फ एक मतलब किसी एक को गलत नहीं बोल सकते, ठीक है, कई बार दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है इसलिए वो अलग हो जाता है, अदरवाइज कोई वो नहीं, पर गाना था जो गाने की तरह लेना नहीं, पॉल सा इतने हैंडसम है, इतने अच्छे इंसान है कि उनको तो कोई भी मिल सकती है, गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। और बता दूं कि तीन गाने आ चुके, तीनों बिल्कुल डिफरेंट, फर्स्ट सॉन्ग तिमला हिरने बानी पर हो, मतलब उनके रियल स्टोरी पे आधारित थी, बिल्कुल यूनिक हटके, सेकंड आंसू बनी ना खसा कहीं लेनी, वो बिल्कुल डिफरेंट रोमांटिक सॉन्ग, मतलब मजा आ गया था, पॉल सा का लुक देख के मजा आ गया था, गाने आवाज तो क्या ही बात करें, अन्नू चौधरी ने गाया था और मतलब दिल को छू लिया था, बहुत अच्छा सॉन्ग है, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा, और ये बिल्कुल अलग है, ये थोड़ा सैड सॉन्ग हो गया, यही चीज चाहिए होती जनता को, मतलब हमेशा एक ही चीज तुम करते रहोगे बार बार तो जनता क्या होता है बोर हो जाती है, लेकिन ये यूनिक हो गया, तो मुझे सॉन्ग बहुत पसंद है, आप लोग बताना आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि पॉल सा जी ने मुझे कमेंट करके मतलब दिल भेजा था मुझे, और मुझे बहुत खुशी हुई थी, और कई लोगों ने मुझे ये भी बोला कि जो पॉल सा के साथ तुमने अपनी फोटो डाली है वो एडिट है, ऐसा कुछ नहीं है, पॉल सा से मैं मिला हूँ, झूठ बोल के मुझे क्या आप लोग अवार्ड दे दोगे, नहीं ना, फोटो बिल्कुल रियल है। तो चलो वीडियो काफी लंबी होती जा रही है, आपसे विदा लेने का वक्त आ गया, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का, भाई बहन का, दोस्तों का, पड़ोसी का, मेरा भी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें यार, तो चलो मिलते हैं अगले ऐसे अच्छे से रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, जय नेपाल जय भारत।